जो ही आप एहराम बांधते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। अरे मैं तो बड़ा मुखय्यर हूँ, बड़े मालदारों में मेरा शुमार होता है, बड़े तुजार में मेरा शुमार होता है। कोई कहता है यार मेरे तो बड़े प्यारे कपड़े हैं, मैं तो वज़ीर हूँ, मैं तो ताजिर हूँ, मैं तो बड़ी मारूफ शख्सियत हूँ, बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मेरा बड़ा नाम है, मेरे कपड़े भी बड़े कीमती होते हैं, लिबास भी बड़ा कीमती होता है, लेकिन ये कैसा लिबास है, ये दो चादरें मैंने ज़ेबे तन क्यों की हैं, ये दो चादरें मैं क्यों पहन रहा हूँ। तो दो चादरों को देख कर, दो चादरों की सफ़ेदी को देखकर याद कीजिए कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सफरे हज के लिए इन दो चादरों को मुकर्रर क्यों किया, क्योंकि हज की रूह यही है कि सफरे हज के जरिए इंसान आखरत के सफर की तैयारी कर ले। ये दो चादरें दर हकीकत इंसान को उसके कफन की याद दिला रही होती हैं कि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा, जब रखते सफर बांधूंगा, तो ये दो चादरें जो इस वक्त मैं ओढ़े हुए हूं, ये दो चादरें मुझे कफन की याद दिला रही हैं कि अगर मैं ताजिर भी हूं, मालदार भी हूं, बड़ा नामवर आलिम हूँ, पीर हूँ, फ़कीर हूँ, वज़ीर हूँ, जो भी हूँ, लेकिन जब उस सफ़र पर जाऊँगा तो महशर के मैदान में वज़ीर हो, आलिम हो, पीर हो, फ़कीर हो, अगर सियासतदान हो, ताजिर हो, मालदार हूँ, सब एक ही सफ में खड़े होंगे, सब एक ही सफ में खड़े होंगे। तो बार बार सफरे हज में हमने अपने एहराम की चादर को देखकर याद करना है कि ऐसा ही एक कफन होगा, ऐसा ही एक कफन होगा जो पहनकर मैं आखिरत के सफर पर जा रहा हूँगा। और देखिए, गौर कीजिए, जो शख्स आखिरत के सफर पर जाता है, वो चाहे भी तो अपने नाखून नहीं काट सकता, वो अगर नाखून बड़े हुए हों तो नाखून नहीं काट सकता, बाल नहीं काट सकता, खुद अपने जिस्म पर खुशबू नहीं लगा सकता। इसीलिए एहराम के दौरान नाखून काटना भी नाजायज़ है, बाल काटना भी नाजायज़ है, खुशबू लगाना भी नाजायज़ है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हकीकी हाजी तो वो है, हाजी का तारुफ़ फरमाया, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हाजी वो है। यही उलूमुद्दीन में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हाजी वो है जिसके बाल उलझे हुए हों और जिस्म से बदबू आ रही हो, जिसके बाल उलझे हुए हों और जिस्म से बदबू आ रही हो। कुछ ऐसे नाज़ो नखरे वाले भी हुज्जाज होते हैं, वो हज पर भी जाते हैं तो कहते हैं बड़ा बेहतरीन सामान हो, बहुत प्यारी तैयारी हो, लेकिन याद रखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकी हाजी की तारीफ़ क्या बयान की है। हज का सफ़र मैदान महशर की याद दिला रहा होता है, वहाँ तो बड़े बड़े मुक्तदर लोग, बड़ी बड़ी खुशबुएँ लगाने वाले भी, वहाँ पर उनके भी बाल बिखरे हुए होंगे, वहाँ उनका भी हाल ऐसा, ऐसे ज़ाहरी तौर पर आशुफ्ता हाल होंगे कि कोई इम्तियाज़ नहीं कर पाएगा कि ये कौन है। सब एक जगह बैठे होंगे, बादशाह वक्त है और गली का भिखारी है, सब एक ही मैदान महशर में मौजूद होंगे।